इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म इस साल आ चुकी है, जिसका नाम है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर। सिंगल मदर सरगम और उसका 8 साल का बेटा कान्हा की कहानी है ये मूवी। मुंबई के स्लम्स में ये दोनों रहते हैं। 8 साल के बच्चे और उसकी माँ की केमिस्ट्री इस मूवी का प्लस पॉइंट कही जा सकती है, लेकिन फिल्म डिसअपॉइंट करती है जहाँ पर फिल्म अगला मोड़ ले लेती है। स्लम्स में अपने बच्चे के साथ रहने वाली सरगम का एक दिन रेप हो जाता है, उसके बाद कहानी इंसाफ की होती है। कान्हा अपनी माँ की तकलीफ देखकर दुखी हो जाता है, वो एक्शन लेता है और प्राइम मिनिस्टर को लिखता है लेटर। इस पॉइंट पर आते आते नोबल कॉज से लिखी गई कहानी राइटिंग की वजह से थोड़ी बोरिंग हो जाती है और डिसअपॉइंट भी करती है। कई जगह फिल्म में इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है, जबरदस्ती इमोशनल सीन्स आपको डिस्ट्रेस करेंगे। रंग दे बसंती फिल्म डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा का डायरेक्शन इस फिल्म में फेल नजर आता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस पर भी राकेश ओम प्रकाश मेहरा फेल नजर आते हैं। फिल्म में माँ का रोल निभाने वाली अंजलि पाटिल फिर भी इम्पैक्ट छोड़ती हैं वो ब्ली रोल की वजह से। फिल्म में होली का डांस सीक्वेंस जो कि उन पर फिल्माया गया है, पूरी मूवी का बेस्ट सीक्वेंस कहा जा सकता है। मुंबई के स्लम्स में ओपन डेफिकेशन और सैनिटेशन जैसे मुद्दों को उठाती ये फिल्म ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। अगर आप ये फिल्म देखने जाना चाहते हैं तो आपके 100 में से 50 रुपए वसूल होंगे।